उन टर्म्स को हम सबसे सब पहले देखेंगे लेकिन पहले एम्लाइकस का बता चाहिए एम्ब्लाइकस दरअसल हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में नॉर्मल स्कार को कहते हैं इसकी बाय डेफिनेशन अगर इसको देखा जाए तो दिस इज तो नॉम सिंपल द नॉर्मल स्कार इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अगर अम्ब्लाइकस को देखा जाए ना तो ये हमारे पास अम्ब्लाइकल कोड से डिवेलप होती है फीटस में जब हम पढ़ते हैं बिफोर द बर्थ तो फीटस में अम्ब्लाइकल कोड प्रजेंट होती है अम्ब्लाइकल कोड क्या होती है दरअसल हमारे पास न जो फीटस होता है जो फीटर्स होता है और जो प्लेसेंटा होता है ठीक है पेसेंटा फीटर्स और प्लेसेंटा के दरम्यान जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं दिस इज द अम्लाइकल कोड तो ये हमारे पास क्या होती है अम्लाइकल कोड तो अमलाइकल कोड हमारे पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो फीटस से प्लेसेंटा प्रे में जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजनेटिव ब्लड या ऑक्सीजनेटिव ब्लड क्योंकि अम्लाइकल कोड के अंदर अम्लाइकल वेसल्स मौजूद होती हैं हमने प्लेसेंटा वाले चैप्टर में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा कि वट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड अम्बलाइकल कोड क्या फंक्शन परफॉर्म करती है तो इसके अंदर अम्लाइकल वेसल्स होती हैं फीट आफ्टर द बर्थ हमारे पास अम्बलाइकल वेसल्स भी किसी न किसी लिगमेंट में चेंज हो जाती हैं हर किसी की हमारे पास दरअसल बर्थ के बाद ना बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग आती है क्योंकि हमारे पास बर्थ ये जो प्लेसेंटा है ये मदर आ, मदर से न्यूट्रिएंट्स लेके फीटस को प्रोवाइड करती है तो प्लेसेंटा इज अज द फीटल सर्फेस एंड मिटरनल सर्फेस मेटरनल सर्फेस एंड फीटल यानी प्लेसेंटा मेटरनल पार्ट से ड्राइव होती है तो जब बर्थ होती है तो आफ्टर द बर्थ जो है वो अम्बलाइकल कोड को कट कर दिया जाता है ठीक है अम्बाइकल कोड को कर दिया जाता है जिसकी वजह से सेम्बाइकल कोड अम्ब्लाइकस बन जाती है ठीक है तो अमरैकस बन जाती है फीटस की अमरायकस बन जाती है ठीक है एम्बाइकल कोड को कट किया तो ये जो डी जनरेट होकर अम्लाइकस बन जाएगी और एंटीर एबडोम वॉल में नॉर्मल का एम्बलाइकस का दूसरा नाम बेली बटन भी होता है तो दिस इज आल्सो बेली बटन तो इसका जो पोजीशन है वो देखेंगे तो इसकी पोजीशन एल थ्री और एल्फो नंबर वो टिब्री के दरमियान होती है ठीक है और इसकी वेरिएबल भी हो सकती है अगर हम देखें इन्फेंट्स और पेंडुलस सब के जो पीपल जिनका पेट मोटा होता है तो उनमें अगर देखी जाए तो इनकी पोजिशन जो होती है वो लो होती है यानी फैटी पर्सेंस में इनकी पोजीशन लो होती है अम्लाइकस की अब पढ़ेंगे इसके एनाटमिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है अगर हम एनेटमिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपने एक वर्ड लिखा हुआ है वाटर शेड वाटर शेड वो आ, मतलब हमारे पास ये होता है कि मिसाल के तौर तो पर दो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो बैरियर है उसे हम वाटर शेड कहते हैं ठीक है जो फ्लोइंग लिक्विड्स को आपस में अलग कर रहा होता है वो बैरियर उसको हम वाटर शेड कहते हैं इन नॉर्मल मतलब वर्ड्स में अगर कहें तो तो वो कहते हैं कि वाटर शेड क्यों हमने इस्तेमाल किया वो कहते हैं कि अगर अम्ब्लाइकस में हमारे पास लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस को हम एक प्लेन बना लें तो क्या होता है कि ये एक प्लेन हम सेट कर लेते हैं मिसाल के तौर तो पर दिस इज़ द एबडामल वॉल ठीक uh, है दिस इज़ द एमलाइकस ठीक है ये एम्लाइकस हमारे पास है mm, एक मिनट अम्बाइक जैसे हमारा ये अम्लाइकस है ठीक है एमलाइकस एक प्लेन है अब उन्होंने क्या कहा है कि अगर लम्फैटिक और वीनस ड्रेनेज को देखा जाए लम्फैटिक और वीनस ड्रेनेज के हिसाब से देखा जाए तो एम्बलाइकस इज़ अ वाटर शेड वाई हुई सेज एम्लाइकस इज अ वाटर शेड क्योंकि जो वीनस ब्लड या कोई भी लम्फैटिक ड्रेनेज होती है अगर एम्बलाइकस के ऊपर से कोई ब्लड फ्लो कराए तो वो अबव जाएगा और अगर कोई नीचे से जा रहा है इस प्लिन के डाउनवर्ड्स जाएगा तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो शेडिंग सेटिंग हुई हुई होती है ठीक है ना यानी वीनस ब्लड और लिफेटिक वेनेज अगर हम अमलाइकस के लेवल से ऊपर देखें तो अबव द प्लेन ऑफ द रिंग होगा अब अबव द प्लेन ऑफ द अमलाइकस होगा और बाकी नीचे वाला लम्फैटिक जो ब्लड है वो बिलो दी प्लेन ऑफ दमलाइकस बिलो दी आ, मतलब जो है प्लेन फ्लो करेगा तो दिस इज हाउ विद वाटर शेड हम कहते हैं बिकॉज और ये बैरियर होता है कि मतलब ये वाला ब्लड ऊपर फ्लो कर रहा है ये वाला ब्लड नीचे फ्लो कर रहा है तो इनको सेपरेट करने वाला जो बैरियर है वो अम्लाइकस है इसलिए हम इसको वाटर का नाम देते हैं ठीक है अब वो कहते हैं जो मतलब जो अम्लाइकस के करीब जो स्किन होती है ना स्किन जो हमारे पास डरमाटोम जो अम्लाइकस का होता है वो टी टेन होता है यानी टी टेन्स पाले से जो है वो सप्लाई होती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टल वेन वेंस के साथ प्रोटोकेवल का मतलब है इसकी मुख्य होती हैं कि जहां पर पोर्टल वेन वेंस के साथ वेन्सामिक करी होती हैं याद रखिएगा जो पोर्टल वेन होती है हमारे पास पूरी जी से जो ब्लड होता है वो कलेक्ट होकर पोर्टल वेन में जाता है पोर्टल वेन पर लिवर में जाती है और लिवर से फर्दर हमारे पास जो वेंस है वो निकलती हैं वो सिस्टामिक वेंस के अंदर ड्रेन होती हैं और सिस्टामिक ब्लड इन्फीर बना के वाहर बनाने के बाद में जाके हार्ट में ड्रेन हो जाता है इन्फीयर बना के बाद में जाके हार्ट में ड्रेन हो जाता है तो दिस इज इस प्रोटोकेवलोमोस ये मुख्य

वो डायलेट हो जाएंगे और डायलेटेड बीस जो है ना वो हमारे पास अम्बलाइकस से निकल रही होंगी क्योंकि हमें पता है अम्ब्लाइकस वाटरशेड शेड एरिया है और जो वेंस डायलेट होगी एक टॉर्चुअस अपीयरेंस देंगे जिसे हम कैपेट मेड्यूसी कहते हैं तो अभी मैं शो करती हूँ कि मेड्यूसी किस तरह बनता है तो देखिये पोर्टल हाइपरटेंशन में हमारे पास कैपेट मेड्यूसी बन रहा है दिस इज द आ, इस कैपिट मड्यूसी इसके अपेरेंस की वजह से कहते हैं ठीक है इसकी अपेयरेंस इस तरह होती है तो इस वजह से इसका नाम कैपिट मेड्यूसी है अब ये देखें अब ब्रेन सारा के डायलेट हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ब्लड का फ्लो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मली है क्योंकि वाटर बैरियर हमारे पास क्या होता है वाटर शेड लाइन क्या होती है दिस इज दॉटर शेड लाइन और वाटर शेड लाइन यही कहती है कि हमारे पास जो ब्लड है इसे ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं इस फिगर में आफ्टर द डायलेशन फिर भी ब्लड जो है नीचे वाला नीचे की तरफ जा रहा है लोअर बॉडी में और अपर uh, बॉडी में जा रहा में है दिस इज द द्लाइकस ये मैंने अम्ब्लाइकस शो की है दीज आर दी टॉर्चअर्स वेंस ठीक है ये टॉर्चोर्स वेन्स है और ये ब्लड की डायरेक्शन एरो के जरिए शो की गई है ठीक है तो ब्लड की डायरेक्शन बिल्कुल अभी भी सेम है इन केस ऑफ प्रोटोकेबल एनेस्टोमोस ब्लड की डायरेक्शन वेरी करती है अगर आपकी सुपीरियर वेना कहवा इन्फीरियर वेना कहवा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो ब्लड

अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर इन्फीयर वेना केवस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सुपीरियर वना केवा हमारा जो ब्लड है वो ड्रेन करती है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जबकि इन्फीरियर वना केवा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड ड्रेन कर बॉडी से ब्लड ड्रेन कर रही होती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड इफीरियर में जाता है जबकि हेड एंड नेक और अपर रीजन का ब्लड सुपीरियर में आता है तो हम अगर कहें कहीं कि सुपीरिया वेना केवा में ब्लड की डायरेक्शन क्या होती है ऊपर से ब्लड आ रहा होता है और इन्फीर केवा में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जा रहा होता है ब्लड ठीक है अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो क्या होगा देखने को कौन सी हमें मतलब किस तरह से ये वाटर शेड बैरियर ब्रेक होगा अब देखें सपोज़ करें सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हमारे पास सुपीरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे आ, मिसाल के तौर पर दिस इज द यहाँ पे शो करती हूँ सुपीरियर वेना केवा को ठीक है अब देखें मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सुपीरियर वेना केवा है ठीक है इस तरह से अब यहां से ऊपर से ब्लड आ रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ब्लड ऊपर नहीं आ पाएगा सुपीरियर वेना केवा में अब ब्लड नहीं सर्चती बात है दूसरा पाथवे अडॉप्ट करना है अब दूसरा पाथवे मिसाल के तौर पर यूँ अडोप्ट कर रहा है अब और नी, नीचे से आ रही है इन्फीरियर वेना केवा ठीक है इस तरह से ये मैंने आपको रफली एक्जम्पन बता रहा नीचे से आगे इन्फीरियर वेना केवा ऊपर से आ रही है उन दोनों ने जाना है हार्ट में ये मैंने सॉरी मैंने मतलब ऐसे शार्ट शो कर दिया फोर क्वाड्रेंट्स मतलब हार्ट है ये अब सुपीरियर केवे आ तो 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 सकता वेना अब ने करना है ब्लड किस तरह जाएगा इन्फीरियर बना कहवा में फिर इनफीरियर बना के, के हार्ट में जाएगा वेना वासे 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 नहीं है। तो सर सी बात इस तरह से जाएगा हमारे पास दिस इज हमारे पास एक दूसरा पाथवे बन जाएगा जिसके थ्रू जो है वो ब्लड हमारे पास दूसरा पाथवे अडॉप्ट कर लेगा वेना केवा के थ्रू ऊपर जाएगा तो ब्लड की डायरेक्शन क्या है वेना केव ऑब्स्ट्रक्शन में फ्रॉम बिलो दी तो नीचे से ऊपर जा रही है सुपीरियर वे नव में ऐसा नहीं है ये तो हमारे पास उसकी है लेकिन ब्लड की ये वाली डायरेक्शन देखेंगे ये वाली डायरेक्शन देख रहे हैं तो आपकी सारी वेंस जो है उनका डायरेक्शन फ्लो नीचे हो गया कि सारी का सारा ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है ताकि वो इन्फीरियर वे न केवस ऊपर जा सके ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंफीरियर केवर ने केवस ऊपर जाने की वजह से ब्लड की तमाम जो वेंस है वो नीचे की तरफ वो ब्लड फ्लो हो गया ठीक है पूरी बॉडी की अगर आप जी में अगर आप को अब्डोमन में वेंस की डायलेशन देखेंगे ना तो अबडोमन में जो वेंस की ब्लड वेंस डायलेट हुई होंगी उसके अंदर जो ब्लड की डायरेक्शन होंगी वो इस तरह से होगी अब मैं अगर अम्बलाइकस है मिसाल के तौर तो पर यह है और ये वाटर शेड लाइन थी अब ब्लड तो नॉर्मली यूँ जा रहा था ना कि उ, उ, ऊपर वाला ऊपर जा रहा था और ये नीचे वाला नीचे था लेकिन अब क्या हुआ सुपीरियर वेना केवा की वजह से ब्लड जो है वो नीचे जाना शुरू कर दिया है क्योंकि उसने हमारे पास क्या है इन्फीरियर सुपीरियर की ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो चाहेगा पहले कि इन्फीरियर से जाऊं मैं ऊपर की तरफ अब इफीरियर से ऊपर जाने की वजह से पहले ब्लड सारा नीचे आएगा ताकि इन्फीरियर से ऊपर जाएगा क्योंकि इन्फीरियर केवा नीचे प्रेजेंट होती है वो नीचे वाले ब्लड बॉडी से ड्रेन ब्लड को ड्रेन कर रही होती है अब यहाँ से समझेंगे कि इन्फीरियर बिना के वक्त जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका मतलब है इसका अब वही बात होगी मैंने अभी बताया कि जो इन्फीरियर बिना की वह होती है वो हमारे पास जो है ना वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो है वो ब्लड को ड्रेन कर रही होती है और ये ब्लड इस तरह से जा रहा होता है हर्ट में ठीक है अब इस तरह से हट में चल रहा है अब यहाँ पर मिसाल के तौर तो पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड जो है वो किस तरह से जाएगा अब जहर सी बात अब ब्लड ने तो हार्ट में तो रिटर्न करें ना मिसाल के तरफ तो तो दिस इज द हार्ट और हार्ट में हमारा ऊपर से आ जा रही होती है, हो है सुपीरियर सुपेर वेकेवा और नीचे से आ रही होती है इनफीरियर ये आई वी सी है ये एस वी सी है अब ब्लड ने तो हमारे पास जहर सी बात है हार्ट के अंदर जाना है तो वो दूसरा बात हुई अडोप्ट करेगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना केवा में ब्लड जाएगा ताकि पहले वो जाएगा सुपीरियर वे केवा में और सुपीरियर वे केवा से वो फिर हार्ट में रिटर्न होगा तो ब्लड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये वाली ऊपर की तरफ हो जाएगी ब्लड का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा तमाम वेंस की जो वेंस डायलेट हो जाएंगी एक तो सबसे पहली बात क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है और